गणतंत्र दिवस पर शिवाजी स्टेडियम पानीपत में मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा ध्वजारोहण किए जाने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है। उपायुक्त पानीपत ने बताया कि अब हरियाणा के मुख्य सचिव गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते तो पानीपत जिले को कई नई सौगात भी मिल सकती थी। उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम को अचानक कैंसिल किए जाना एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि किसान आंदोलन के चलते किसानों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया था कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में किसी किस्म का व्यवधान किसानों द्वारा नहीं डाला जाएगा। उसके उपरांत भी मुख्यमंत्री ने पानीपत में ध्वजारोहण का कार्यक्रम कैंसिल कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह भी अपनी तरफ से कोई ऐसा इशू पैदा नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण शरारती तत्वों को कार्यक्रम में व्यवधान डालने का मौका मिले और प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करने की नौबत आए। हालांकि विधायक का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर बदलते रहते हैं। किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने इसे मुख्यमंत्री की समझदारी बताया है। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, अभी मैं डीसी साहब की मीटिंग थी, वहां जानकारी जैसी मिली है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। माने मुख्यमंत्री जी आते तो हमारा सौभाग्य था कि पानीपत में वो गणतंत्र दिवस पे आते और हम पानीपत की कोई डिमांड और भी उनसे करते, लेकिन चलिए व्यवस्था के अंदर कई बार चेंजेज आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये किसान आंदोलन को लेकर चेंजिंग हुई है या रात को यहाँ पे रुकना होता है, आगे 26 जनवरी को पहले दिन आना पड़ता है, तो इसके लिए रुकने में क्या दिक्कत है? कोई इस तरह से आप ऐसा मत सोचिए। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा में कहीं भी रुक सकते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था में कौन कहाँ झंडा फहराएगा, कई बार चेंजेज आ जाते हैं उसमें, तो उसकी व्यवस्था में चेंज आया। लेकिन पानीपत तो हमेशा शांत रहा है, कहीं इस तरह की विवाद नहीं रहे। पानीपत के लोग भी शांत है, आप चिंता मत करिए। फिर मुख्यमंत्री ने निर्णय जो भी हो गया, जो ऊपर सरकारी तौर पे चेंज होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब कौन ध्वजारोहण करेंगे यहाँ पे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, अभी पता लग जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। पहले किन का प्रोग्राम था सर, अब चेंजिंग कब? आज पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, अब चीफ सेक्रेटरी महोदय आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन किस तरह से तैयारियां थी सर? हमारी पूरी तैयारियां थी, अगर सीएम साहब आते उसके हिसाब से भी पूरी तैयारियां थी। सभी किसान यूनियन वगैरह से सभी बात हो चुकी थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, और अभी भी पूरी तैयारियां हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में सर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ आपने निर्देश दिए थे? नहीं, वो सारे 144 भी है और बाकी सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फोर्स वगैरह सभी जगह लगाई गई है जहाँ जरूरत है। हर बार की तरह सेम प्रोग्राम होंगे सर अबकी बार या कुछ? हाँ, वही सेम प्रोग्राम होंगे, थोड़ी संख्या कम रहेगी बच्चों की, कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग के, फेस मास्क वगैरह लगा के सारे प्रोग्राम। देखो, वो तो उनका कह रहे हैं, खुद का पर्सनल पार्टी का डिसीजन है या मुख्यमंत्री का डिसीजन है। बाकी किसानों ने तो पहले ही उनको संयुक्त मोर्चे ने बयान दे दिया था, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का नेता आए, कोई भी झंडा भराए, हमने कोई एतराज नहीं, हमने पहले ही बोल दिया था। चलो, मुख्यमंत्री आए, बड़प्पन है, उन्होंने देखा भाई बच्चों का इसे प्रोग्राम भी छोटा किया गया, भाई परेड का भी छोटा कर दिया गया, टाइम पीरियड भी घटा दिया गया, लोगों की संख्या भी घटा दी गई। चलो, अच्छी बात है, एक सीएम ने इस पर डिसीजन लिया ताकि शांति प्रिय बने। एक शहर के बीच में प्रोग्राम था, कुछ शरारती तत्वों का तो था, किसान तो नहीं कराए, क्योंकि किसान तो सबने पता है संयुक्त मोर्चा अभियान जो आया था उसका मान सम्मान रखा है, और मेन था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको सम्मान को बनाए रखना, क्योंकि ये हर देश के नागरिक का कर्तव्य है भाई इसके किसी भी मान सम्मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसान भी चाहते थे पानीपत बनाया, क्योंकि पहले ज्ञापन भी दिया था कि माहौल खराब हो सकता। हाँ, वो एक शांति प्रिय अपील थी, कोई विरोध नहीं था, वो शांति प्रिय अपील थी, क्योंकि हमने उन्होंने पता था छोटे छोटे बच्चे हैं, साल भर तैयारी करते हैं, अब भी विकलांगों के भी फोन आ रहे हैं भाई को रिक्शा भी बांटी जाएगी, बहुत सी चीज़ें थी उसका। अगर एक बार कोई शरारती तत्व हुई, कोई काला झंडा वगैरह दिखा दे, तो वहाँ कहीं ना कहीं मान और प्रतिष्ठा जो ध्वज की थी वो कमज़ोर होती, कहीं ना कहीं उंगली उठती। एक अच्छा प्रोग्राम मन है, क्योंकि मोल है जी, देखो पहले भी फहराया इन्होंने, आगे भी फहराया, हमने कोई तक दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है, इसका मान सम्मान। आज भी हमने बोल दिया था, प्रशासन को भी कह दिया, क्योंकि संयुक्त मोर्चे जो वीडियो आई थी और जो हमारे पास मैसेज आ गया था उसमें हमने मीटिंग बुलाई पूरे जिले किसानों की, उन्होंने ये कह दिया था भाई जब संयुक्त मोर्चा कहता है उससे अलग किसी भी किसान संगठन को चलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका
प्रभाव दिल्ली जो आंदोलन है उस पर भी पड़ेगा। तो पहले होगी थी मीटिंग, उसके बाद प्रशासन ने बोला, हमने बोल दिया भाई हम दिल से कहते हैं भाई कोई आओ मत राज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।